तो एवरीवन, मैं पारस आप सभी का भठिंडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है स्टैटिस्टिक रिवीजन, जिसमें हम मीन के बारे में बात करेंगे, मीडियन देखेंगे और मोड की बात करेंगे। राइट, जैसे हमने कल किया था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने, तो आप जाके चेक कर लेना। डाउट हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, चाहे कमेंट कर देना, आई विल हेल्प यू। तो आज स्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मीन की। एज वी ऑल नो कि मीन क्या होता है, नंबर का, मान लो मेरे पास 5 नंबर्स हैं, उन नंबर्स का सम कर दूंगा, डिवाइड बाय 5 है, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, मीन। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कि 5 नंबर ले लो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ले लिए, इनका मैंने क्या फाइंड करना है, मीन। पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का सम करेंगे, 5 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 15 हो गया प्लस। अब 15 को इन 5 टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 है, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3। इन 5 नंबर्स का मीन कितना होगा, 3। ये तो बेसिक चीज़ है, मीन होता क्या है। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं। मेरे पास एक क्लास इंटरवल गिवन है यहाँ, और यहाँ ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैंने क्लास इंटरवल को यहाँ पर लिख लिया और फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट कर दिया, ऐसा लिख लिया। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है मीन की डेफिनेशन से, एक्स आई। एक्स आई क्या है, क्लास मार्क। निकालते कैसे हैं वो अब बताता हूँ आपको। 4 प्लस 7 कर दो, कितना हो गया, 11। 11 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा, 5.5। अब 8 प्लस 11 कितना होता है मेरे पास, 19। 19 को डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया, 9.5। अब सेम 12 प्लस 15 करेंगे, कितना होता है मेरे पास, 27। इसका हाफ करेंगे, कितना आ गया, 13.5। अब सेम 19 प्लस 16 कितना होता है मेरे पास, 35। इसका हाफ करेंगे, कितना आएगा, 17.5। ये मेरे पास आएगा क्लास इंटरवल। अब हमने इसके बाद क्या निकालना होता है, दैट इज़ एफ आई एक्स आई। एक्स आई यहाँ पर है, एफ आई यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करना है। 5.5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ये आ गया। 9.5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये आ गया। 13.5 को मल्टीप्लाई किया 9 से, ये आ गया। और 17.5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, ये आ गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये टोटल है फ्रीक्वेंसी का, ये टोटल है एफ आई एक्स आई का। तो हमें मीन का फॉर्मूला ये बताया जाता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। समेशन क्या है, इन सभी का सम को समेशन बोलते हैं। ये भी क्या है, समेशन, इन सभी का सम करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, समेशन आएगा। तो इसका सम किया कितना है मेरे पास, 362 है, यहाँ लिख लिया। इसका सम कितना है, 28 है, यहाँ लिख लिया। इनको डिवाइड करेंगे, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मीन की। तो ये था हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, हमें मीन गिवन है, मीन है मेरे पास दैट इज़ 53। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। अब सेम ये क्लास इंटरवल है, यहाँ लिख लिया। फ्रीक्वेंसी है, यहाँ लिख ली। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है मीन की हेल्प से, क्लास मार्क और एफ आई एक्स आई। क्लास मार्क क्या है, मिड वैल्यू। 20 प्लस 0 कितना होता है, 20। इसका हाफ की कितना आएगा, 10। 20 प्लस 40 60, इसका हाफ की कितना आएगा, 30। 60 प्लस 40 100, हाफ करो 50 आएगा। अब सेम 70 आ जाएगा और यहाँ से 90 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना, कोई डाउट है पूछ लेना। राइट, अब इसके बाद हमने एफ एक्स आई निकाल लिया, ये चीज़ आई। एफ आई हमें गिवन था, इनका सम कर लिया, ये आएगा। अब सम कैसे करना है ध्यान से देखना। 12 और 15 कितना हो गया, 27। राइट, 27 और 30 कितना हो गया, 40। 40 प्लस 32 कितना हो गया, 72। और ये के बच गया, प्लस कितना आ गया, 72 प्लस के। हमने के को इंक्लूड नहीं करना, जो इसको छोड़कर सभी नंबर का प्लस किया, कितना आ गया, 72। और प्लस के ऐड कर दी, कितना आ गया, 72 प्लस के। ये हमारी आगे फ्रिक्वेंसी। अब हमें इसकी मीन का फॉर्मूला निकालना होता है, मीन का फॉर्मूला ये गिवन है। अब हमने सेम क्या करेंगे, 10 इंटू 12 120, क्यों, हमें निकालना है एफ आई एक्स आई है।
30 को मल्टीप्लाई किया 15 से, 450 आ गया। 50 को मल्टीप्लाई किया 32 से, कितना आ गया मेरे पास 1600। 70 को मल्टीप्लाई की k से, 70k आ गया। अब 90 को मल्टीप्लाई किया 13 से, 1170 आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब सेम इन सभी का प्लस करो, कितना आ गया 3340। कौन बच गया 70k, साथ में लिख दियो, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास जो बना FIXI का समेशन का आंसर ये आया, FI का समेशन किया ये आया, तो यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली मीन गिवन है हमारे पास 53, ये लिख दिया। ऊपर कौन है FIXI, ये लिख दिया। नीचे कौन है FI, तो ये लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको सभी को। मैंने बेसिकली क्या किया, ये फॉर्मूला था, FIXI की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, FI की वैल्यू नीचे। अब ये डिवाइड में है, उधर हर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके बेसिकली मेरे पास ये टर्म आ गई। अब लाइक टर्म्स एक साइड करनी है, यहाँ पर क्या है 53, इधर जो है क्या हो जाएगा माइनस का 53k। अब 3340 प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस कर दें हम। 70 में से 53 माइनस किए 17 आ गया। अब 3816 से माइनस किया 3340, कितना आ गया 476। अब निकालनी वैल्यू के की है, अब 17 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब जब हम 476 को डिवाइड करेंगे 17 से, मेरे पास आंसर क्या बन गया, दैट इज 28। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन सेम था, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग था, क्योंकि जहाँ लास्ट क्वेश्चन में हमने मीन निकालना था, अब यहाँ मीन गिवन है, उससे हमने क्या वैल्यू निकालनी है के। क्लियर। अब बात करते हैं मोड की, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसका 5 मार्क्स में आता है, तो अब ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मेरे पास मोड का बेटा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रिक्वेंसी है। अब जहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, उसको हम उठा लेते हैं इन डेप्थ, ठीक है। अब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है, 16 है, देख लो आप। ये 8 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 6 है, 7 है। मैक्सिमम हमेशा एग्ज़ाम में एक ही गिवन होगी, डबल नहीं होगी, तो ये मैंने उठा ली। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है, 30 है, वो मेरे पास एल की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो मेरे पास बन गया एच। एच कितना हो गया मेरे पास 10। अब इसे हम बोलते हैं F1, उसके बाद होता है F2, उससे पहले होता है F0। बन गया ना F0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर। बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वैल्यू उठा ली, ये क्या हो गया F1 की वैल्यू, ये क्या होगी F0 की वैल्यू, अब ये क्या होगी F2 की वैल्यू, ठीक है। अब ये तीनों क्लियर होगी आप सभी को, जो है वो F1 है मैक्सिमम वैल्यू, उससे ऊपर वाली क्या है F0 10 है, उसके बाद वाली कितनी है F2 12 है। अब यहाँ से L की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 30 आई थी, तो हम क्या लिखेंगे L इक्वल टू 30, जो पहली वैल्यू है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 - 30 10 है, तो मेरे पास H की वैल्यू कितनी आ गई 10 की। तो हमें 5 वैल्यू चाहिए थी, 2 तो ये वैल्यूज होगी, 3rd, 4th and 5th। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे L। L कितना है 30, यहाँ लिख दिया। F1 माइनस F0, F1 कितना है 16, F0 कितना है 10, यहाँ लिख दिया। अब नीचे क्या है 2F1, F1 कितना है मेरे पास 16, 2 × 16 कर दिया। माइनस F0 कितना है 10 है, F2 कितना है 12 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस वन 30 लिख दिया एज इट इज़, 16 में से 10 माइनस करें, ऊपर कितने आ गए मेरे पास 6 आ गए, डिवाइड बाय 16 × 2 = 32। अब 32 है माइनस 22 है, नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास बेसिकली 10 आ जाएगा, और ऊपर एच मल्टीप्लाई में है 10, तो बेसिकली कितना आ गया मेरे पास 60/10 है ना, ये एच मल्टीप्लाई में है, हो जाएगा। तो 60/10 कितना हो गया 6, 30 + 6 कितना आ गया 36। तो हमारा रिक्वायर्ड मोड क्या आ गया, दैट इज 36। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिक चीज़ ध्यान फोकस किस पे करना है, एक तो हमें फॉर्मूला एग्जैक्ट ये वाला याद हो,
क्या है एफ ज़ीरो माइनस एफ वन डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच, बाद में एल को ऐड कर देना है। करना क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पे फोकस करना है, उसे हम क्या बोलेंगे एफ वन, उसे ऊपर वाली वैल्यू को बोलेंगे एफ ज़ीरो, उसके बाद वाली वैल्यू को बोलेंगे एफ टू। एल है लोअर वैल्यू, एच है दोनों का डिफरेंस, जो कि हमें पांच चीज़ें चाहिए होती हैं क्या निकालने के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड निकालने के लिए, राइट। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। हमें यहाँ पर मॉड गिवन है दैट इज़ 55, हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, राइट। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 15, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास हुआ क्या, जो 15 है वो मेरा क्या हो जाएगा, एफ वन हो जाएगा, उसके ऊपरली वैल्यू कौन है ए, वो क्या हो जाएगा एफ ज़ीरो, इसके नीचे वाली वैल्यू कौन सी है 10, तो वो क्या हो जाएगा एफ टू। तीन वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो एफ वन आ गया, उसके ऊपर एफ ज़ीरो था, उसके नीचे एफ टू था, तीन वैल्यू आ गई। अब लोअर लिमिट एल कितनी है 45, ये हमने यहाँ पर लिख ली। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, तो यह लिख लिया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो ये था, सभी की वैल्यू पुट कर दी, पहले एल है 45 आ गया, एफ वन माइनस एफ ज़ीरो है 15 माइनस ए लिख दिया, डिवाइड बाय टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू है हमने लिख दिया, एच कितना था 15 था, मोड गिवन है दैट इज 55, तो हमने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये प्लस का 45 है, उधर जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद 15 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे पास, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म क्या बनी, दैट इज 15 माइनस ए डिवाइड बाय 30 माइनस ए माइनस का 10, तो ये क्या बन गया 15 माइनस ए डिवाइड बाय 20 माइनस ए, और उधर एक टर्म ये बन गई मेरे पास, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 55 माइनस 45 किया कितना आएगा 10, नीचे 15 है तो 15 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा मेरे पास 2/3। तो बेसिकली मेरे पास बना क्या 15 माइनस ए डिवाइड बाय 20 माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 2/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 3 45, 3 into a 3a, 22 40, 2 into a 2a, क्लियर। अब ये 3a माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, अब ये 40 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये टर्म बच गई। 3a माइनस 2a कितना हो गया मेरे पास, दैट इज़ a, 45 माइनस 40 कितना आ गया 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई, हमने ये तो निकाल लिया। अब हमने निकालना है बी की वैल्यू। अब हमें टोटल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का 51, दैट इज दिस वन, है ना, 6 + 7 + a + 15 + 10 + b 51 है। अब ए की वैल्यू 5 है, हमने यहाँ पुट कर दी, सभी का प्लस किया कितना है मेरे पास 43 आया, प्लस बी बचा इक्वल टू क्या है मेरे पास 51 है। अब उधर जाकर 43 क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये टर्म बच गई, इक्वल टू कितना आ गया 8। तो हमने ए और बी की निकालनी थी वैल्यू, वो मेरे पास क्या आ गई, ए की 5 आ गई और बी की वैल्यू 8/5, क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं मीडियन की। मिला को बैठा है, हाँ जी। तो मीडियन की बात करते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है, एक तो वेट गिवन है मतलब क्लास इंटरवल, एक गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लेस देन 38 है तो इसको हम लिख लें 0 38, लेस देन 40 है 38 से 40, लेस देन 42 है अरेंज कर दिया, बस ये चीज़ है, हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी 0 3 5, तो ये लिख दी हमने। अब पहली बात तो ये कि हमने क्या निकालना होता है मीडियन में, ख़ास तौर पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं CF, ठीक है। हमें क्या करना होता है, CF निकालना हो, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पर CF आएगा, तो CF निकालते बेसिकली कैसे हैं, हमें जो भी डाटा गिवन होता है ना, ये वाला
जो डाटा गिवन होता है ना, अगर तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो पहले ही क्या है, सी एफ है, अदरवाइज हमें सी एफ निकालनी पड़े, ठीक है। तो ये डाटा पहले ही क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में था, तो मेरे पास पहले ही सी एफ गिवन है, हमने फ्रिक्वेंसी को निकालना, तो ये सी एफ था। अब सी एफ से फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 35 - 32 कितना आ गया, 3। 32 - 28 कितना आ गया, 4। 28 - 14 कितना आ गया, 14। 14 - 9 कितना आ गया, 5। 9 - 5 कितना आ गया, 4। 5 - 3 कितना आ गया, 2। 3 - 0 कितना आ गया, 3। और सामने 0, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डाटा गिवन था वो पहले ही, जो डाटा हमें गिवन था वो डाटा बेटा पहले ही क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सी एफ पहले ही गिवन है। हमने क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर जाते समय एक एक माइनस करेंगे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी फ्रिक्वेंसी, बात ख़त्म। अब जो मेरे पास फ्रिक्वेंसी का टोटल है और सी एफ का लास्ट है वो हमेशा सेम रहता है, इसलिए ये एरो यहाँ पर लगा। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, एन कितना है, 35, उसका हाफ करें कितना आएगा मेरे पास, 17.5, ठीक है। कितना आएगा मेरे पास, 17.5। अब सी एफ में से 17.5 से बिगर वैल्यू कौन है, 28 है, तो हम इसे लाइक दैट मार्क कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो मेरे पास सी एफ है, जो हमें इस फॉर्मूले में चाहिए, तो 14 मेरे पास आ जाएगा सी एफ, ये डन हो गया। अब इसमें एल की वैल्यू कितनी है, 46, तो एल कितना आ गया मेरे पास, 46। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो यहाँ से एच कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। सामने एफ पड़ा है, तो मेरे पास एफ कितना है, 40। क्लियर, मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। मैंने सबसे पहले क्या निकाला, n/2 कितना आ गया, 17.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन है सी एफ में, दैट इज़ 28 है, तो हमने इस पूरी रो को क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब जो मेरे पास f है कितना आएगा यहाँ से, 14, 28 से ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, सी एफ, 46 को क्या हम बोलेंगे, एल वैल्यू। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू। तो हम ये सभी वैल्यूज निकाल के इसमें क्या पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एल 46 है, n/2 कितना मेरे पास आया, 17.5, सी एफ कितना है मेरे पास, 14, एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये भी कितनी है, 14 है, एच की वैल्यू मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे, ये चीज़ बन जाएगा। इसको हमने सोल्व किया, कितना आ गया 7/14, ये कितना आ गया 1/2, दैट इज 0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 46.5। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट इज n/2 निकालना है। इससे हमने जो वैल्यू बड़ी है सी एफ में से वो देख लेनी है, उसके ऊपर वाला सी एफ होएगा, सामने वाला एफ होएगा, 46 एल की वैल्यू होगी, हमें पता है डिफरेंस कितना है एच। इन चारों वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे फॉर्मूलेज में, मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, मीडियन की। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला, एक भी चीज़ इधर हुई क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, दैट्स ओके। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्लास का। हमने बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ भी मीडियन भी निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास हाइट गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब देखो ये फ्रिक्वेंसी कभी इंक्रीज हो रही है या कभी डिक्रीज हो रही है, तो ये मेरे पास नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है। हमने नॉर्मल फ्रिक्वेंसी को की हेल्प से क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सी एफ, यहाँ पर जो मेरे पास क्लास इंटरवल है ये प्रॉपर नहीं है, तो इस क्लास इंटरवल को प्रॉपर बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में से हाफ माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में हाफ प्लस करेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 163 है,
आधा घटाएंगे कितना हो जाएगा 162.5, राइट हैंड साइड में आधा बढ़ाएंगे कितना हो गया 165.5। अब यहाँ पर क्या है 166 है, हाफ माइनस करेंगे कितना आ गया 165.5, 168 में से हाफ ऐड करेंगे दैट इज 165.8.5। क्लियर, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें सी एफ गिवन था, हमने क्या निकाली थी एफ की वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें एफ गिवन है, हमने क्या निकालना है सी एफ। हम ऐड करेंगे 15 सामने है, लिख लिया 15 प्लस 117 कितना होता है मेरे पास 132। अब 132 आ गया, ओके है। अब 132 को प्लस करेंगे इससे कितना आएगा 268 को इससे प्लस करें कितना आएगा 386, प्लस करें कितना आएगा 40, मतलब ये एस चलता है। 15 प्लस 117 132 प्लस 136 268 प्लस 118 दैट इज 386 प्लस 14 दैट इज 400। ये मेरे पास एन की वैल्यू है, इससे हमेशा मैच करेगी, हमने देखा था। और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, एन बाय टू निकालना। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे एन बाय टू, मेरा एन बाई टू कितना आ गया 200। अब जस्ट इससे बड़ी वैल्यू कौन सी निकालनी है सी एफ में से, दैट इज 268। ये किसकी वैल्यू आ गई एफ की, यहाँ से क्या आएगा सी एफ। एस की वैल्यू कितनी आ गई 165.5, डिफरेंस कितना है इन दोनों का दैट इज 3। तो मेरे पास ये एच की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, क्लियर है ना। 200 से ग्रेट कर सी एफ की वैल्यू में से कौन है 268, इसके ऊपर वाला सी एफ होता है, सामने वाला एफ होता है, ये सामने वाली वैल्यू एच है। अब डिफरेंस कितना है मेरे पास एच, वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो देखते हैं क्या आंसर बनता है मेरा। तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, एल की वैल्यू 165.5 है, यहाँ पुट करें तो यहाँ पर ए आ गया। अब उसके बाद मेरे पास एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है, यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा मेरे पास 3। तो इन सब की वैल्यू पुट करेंगे मेरे पास एंड पे आंसर क्या आ जाएगा 167। तो ये था आपकी आज की क्लास, आई होप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी